हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं आशु पारिक आप सभी का एक बार फिर दिल से योगा हॉल इन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल की व्यस्त दिनचर्या में हम सभी इतने बिजी हो गए हैं कि हम ना तो एक्सरसाइज कर पाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, खराब खान पान हो गया है, जंक फूड बहुत खाते हैं और स्ट्रेस की वजह से हम सभी बीमार हो गए हैं। हमारे शरीर में अकड़न हो गई है, हमारे शरीर में फैट जमा हो गई है, हमें ठीक से ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे बॉडी में नहीं होता है, ठीक से पसीने नहीं आते हैं और हमारा शरीर हेल्दी नहीं रहता है, उसमें ग्लो नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज हम 5 प्राणायाम करेंगे जिन्हें एक सीक्वेंस में करके हर रोज डेली प्रैक्टिस करके हम हमारे पूरी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। तो हम सभी को इन प्राणायामों को अच्छे से करना है, मेरे साथ करना है, कैसे उनको ठीक ढंग से करना है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, ये 5 प्राणायाम जिनका सीक्वेंस है, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, वाय प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, इनको इस सीक्वेंस में करने के पीछे कुछ खास उद्देश्य होता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है जो ग्लूकोज से मिलके हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाती है, हमारे शरीर में प्राण को बढ़ाती है। दोस्तों, उसके बाद कपालभाति प्राणायाम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे बॉडी के सेंटर में एनर्जी का जागरण होता है, एनर्जी हमारे शरीर में मध्यम भाग से पैदा होती है और एक्सहेल जब हम फोर्सफुली करते हैं तो हमारे शरीर से विकार दूर हो जाते हैं, हमारे शरीर से तनाव दूर हो जाता है, हमारे फैट कम होती है और सभी तरह के विकार एक्सहेल करने से दूर होते हैं। तीसरा प्राणायाम वाय प्राणायाम। वाय प्राणायाम करने से जब हम पेट सांस को बाहर छोड़ते हैं, पेट को चिपका लेते हैं, तो हमारे मध्य भाग से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और हमारे शरीर को अपर पार्ट के जो ऑर्गन्स हैं उनको फायदा होता है, उनका स्ट्रेस दूर होता है और उनके विकार भी दूर होते हैं। दोस्तों, इसके बाद चौथा प्राणायाम अनुलोम विलोम करते हैं। इसे करने से हमारा नाड़ी शोधन होता है, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र ठीक होता है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, क्लींजिंग नेचुरल हमारे शरीर में होती है। इसके बाद हम 5वां प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसे करने से हमारे शरीर में तनाव जो भी होता है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से दूर होता है, एंजाइटी दूर होती है, डिप्रेशन दूर होता है और हम बेहतर महसूस करते हैं। तो अब इसको इसी सीक्वेंस में करते हैं, आप मेरे साथ करें। सभी प्राणायाम को 1 से 2 मिनट हमें करना है, अच्छे से करना है, मन लगा के करना है, इसको काम समझ के तो बिल्कुल नहीं करना है, आनंद लेके करना है और 10 मिनट अपने आप को रोज देना है दोस्तों, जिससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, अकड़न खत्म होगी और सभी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स ठीक होंगे, हमारे शरीर में चमक आएगी और हम कॉन्फिडेंस से भरेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इन प्राणायामों को स्टार्ट करने से पहले कैसे बैठना है, हमारी स्थिति, हमारी बैठने की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, आप आराम से रिलैक्स होके पालती मार के इस तरह से बैठ जाएं, आप सुखासन में सीधे होके बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधा रखें, ना ज़्यादा तन के रखना है, ना ज़्यादा झुके हुए रहना है, बिल्कुल सीधा अपनी कमर को रखना है, अपने कंधों को रिलैक्स छोड़ना है, अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है, सभी मसल्स को, हर एक जॉइंट को रिलैक्स छोड़ना है, हिप्स के जॉइंट को, शोल्डर्स को, सभी को रिलैक्स छोड़ना है। और ख़ास बात ये ध्यान रखें, अपने मन को शांत रखना है, किसी भी तरह के तनाव को, स्ट्रेस को, काम के बोझ को हटा देना है और 10 मिनट अपने आप को देना है, रिलैक्स होके बैठ जाएं, किसी भी एक मुद्रा में बैठ जाएं दोस्तों और आराम से बैठ जाएं। अब हम सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए नाक से गहरा सांस अंदर भरना है जितना हो सके और 1 से 2 सेकंड अपने आप सांस को रोके रखना है और फिर गहरा सांस धीरे धीरे करके पूरा नाक से बाहर छोड़ देना है। चलो इसे करके देखते हैं। ध्यान रखें, जब आप इसको कर रहे हो तो आप अपने कंधों को रिलैक्स छोड़ें, अपने चेहरे पर प्रसन्न भाव रखें, चेहरे को इस तरह से सुगला ना बनाएं, ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे गहरा सांस अंदर भरना है, कुछ देर सांस को रोके रखना है और धीरे धीरे पूरा सांस बाहर छोड़ देना है। आप इसको निरंतर करें, 1 से 2 मिनट रोज करें।
इसे करते समय आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं, प्रसन्न होकर करें। इसे करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज से मिलके एनर्जी को बनाता है। हम बेहतर महसूस करते हैं, हमारे शरीर की अकड़न चली जाती है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी होता है, हमारा पूरा बॉडी हेल्दी होता है। एक बार और कर लेते हैं। दोस्तों इसको जोर जबरदस्ती ना करें, आराम आराम से करें, जितना आपसे हो उतना करें। अब हम दूसरा प्राणायाम कर लेते हैं, इसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। ये बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। इसे करने के लिए आराम से सीधी कमर करके अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ के बैठ जाएं, अपने मन को प्रसन्न रखें, रिलैक्स छोड़ें अपनी पूरी बॉडी को। सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ना है, एक सेकंड में एक बार करना है, सांस लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ेंगे तो अपने पेट को अंदर की तरफ ले जाने का प्रयास करें, नेचुरली भी जाता है, और आप उसको और अंदर ले जाने का प्रयास करें, जिससे आपको बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी फैट लॉस होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों तो इसे स्टार्ट करते हैं। प्रसन्न होके करना है। जब आप सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है और आपके एक्सहेल करते समय आपके विकार, आपकी भ्रांतियां, आपकी बीमारियां और आपकी गंदगी शरीर से आपकी सांस के साथ बाहर चली जाती है। तनाव की वजह से जो शरीर अकड़ गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में फंस गई है, पेट में फंस गई है, तो वो इस एक्सहेल करने से, फोर्सफुली एक्सहेल करने से आपकी बॉडी से बाहर हो जाती है। एक बार और करके देखते हैं। एक सेकंड में एक बार करना है, हर रोज आपको इसे 5 मिनट तक करना है। दोस्तों इसके बाद अब हम तीसरा प्राणायाम करेंगे, जिसे बाह्य प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम बहुत ही अद्भुत है, आपके पेट की फैट को ठीक करने के लिए भी बहुत बेहतर है। आपके पेट में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, उनको निकालने के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इसे करने के लिए आराम से बैठ जाएं, गहरा सांस अंदर भरना है और पूरे सांस को बाहर निकाल देना है, और उसके बाद अपने पेट को अंदर की तरफ जितना हो सके उतना चिपकाना है। दोस्तों चलो इसे करके देखते हैं। जितना देर हो सके आप अपने पेट को चिपकाएं, जितना हो सके उतना चिपकाएं। इसको 1 से 3 बार आपको हर रोज करना है, 2 बार तो करना ही करना है। एक बार और कर लेते हैं। फोर्सफुली सांस को पूरा बाहर छोड़ देना है और पेट को अंदर की तरफ चिपकाना है। इससे आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, बड़ियां, छोटी आंत, इनका नेचुरल मसाज होता है और उनके अंदर जो टॉक्सिन जमा हो गए हैं वो दूर होते हैं और आप एनर्जेटिक और रिफ्रेश महसूस करते हैं। दोस्तों इसके बाद अब हम थोड़ा देर रिलैक्स करके चौथा प्राणायाम करते हैं, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है, आपके पूरे शरीर को, सभी नाड़ियों को, सभी सेल्स को, सभी जॉइंट्स को, पूरी बॉडी को शुद्ध कर देता है, हेल्दी कर देता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है और आपके शरीर को हेल्दी बनाता है, आपके लंग्स, आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है। दोस्तों इसे करने के लिए अपने आराम से बैठ जाएं पोजीशन में, अंगूठे से राइट नोज को दबाना है, लेफ्ट नोज से सांस को गहरा अंदर भरना है धीरे धीरे, फिर अपनी उंगलियों से राइट लेफ्ट नोज को दबाना है और राइट नोज से सांस को बाहर छोड़ देना है, फिर राइट नोज से गहरा सांस अंदर भरना है और अंगूठे से राइट नोज को दबाते हुए लेफ्ट नोज से सांस को बाहर छोड़ देना है। चलो इसे करके देखते हैं। आपको हर रोज इसे 1 से 2 मिनट करना है, आराम आराम से करना है, पूरे मन से करना है और लोड लेके, स्ट्रेस लेके, अपनी क्षमता से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करना है। हर रोज इसे करना है, इस
उसके बाद आखिरी प्राणायाम कर लेते हैं जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, जो आपके मन को शांत करने के लिए, आपके दिमाग में मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, पूरे शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन के थ्रू आपके पूरे शरीर को पॉजिटिव स्पंदन से स्ट्रेस फ्री कर देगा। दोस्तों इसे करने के लिए एक उंगली को अपने ललाट पे रखें, दूसरी उंगली को अपने आंख पे रखें, तीसरी उंगली से नाक दोनों नथनों को आधा दबा लें, दोस्तों पूरा बंद नहीं करना है, आधा बंद कर लें। चौथी उंगलियों को मुंह के पास रख लें दोस्तों, और अंगूठे से आराम से हल्के से अपने कानों को बंद कर लें। गहरा सांस नाक से अंदर भरना है और भंवरे की तरह आवाज निकालते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए भंवरे की आवाज करते हुए इसको करना है। चलो इसे करके देखते हैं। अपनी पोजीशन को, अपने बॉडी को सीधा रखना है, मन को शांत रखना है और भंवरे की तरह आवाज को निकालते हुए इसको 1 से 3 बार आपको करना है, हर रोज करना है। इससे जो सकारात्मक स्पंदन, नेचुरल स्पंदन आपके शरीर में होते हैं, जिससे आपका दिमाग, आपका मन और आपकी पूरी बॉडी पॉजिटिव स्पंदन से ठीक होती है, तनाव मुक्त होती है। दोस्तों तो आज हमने 5 प्राणायाम किए हैं, सीक्वेंस में किए हैं, आपको उसी सीक्वेंस में करना है और अच्छे से करना है, मन लगा के करना है, प्रसन्न होकर करना है। हर रोज अगर आप इन 5 प्राणायाम को करेंगे तो आप अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और आप कौन से प्राणायाम कैसे कैसे करते हैं, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना जरूर चाहूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, बहुत अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।